Hello dear students, once again a very warm welcome to all of you in your very own channel Envision Medicals where you imagine your future. Guys, क्या आपको पता है हमारा हर्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें कितने चैम्बर्स हैं, उसका काम क्या है, उसमें कितने वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, कब हर्ट से हमारे साउंड प्रोड्यूस होता है, कैसे हमारे पूरे शरीर में ब्लड का सप्लाई होता है, कौन कौन से ब्लड वेसल्स हैं जो पूरे बॉडी में हमारा ब्लड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और कौन से ब्लड वेसल हैं जो पूरे शरीर में ब्लड को कलेक्ट करते हैं. क्या पता है कि क्यों हमारा ब्लड का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, कभी भी फ्लो उल्टा नहीं होता है. अगर आप इन सारे सवालों का जवाब जानते हैं तो वेरी गुड, और अगर आप नहीं जानते हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें आपको इन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे. और साथ ही साथ आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है नीट एंड एम्स एग्जाम के लिए, क्योंकि इस टॉपिक से हमेशा हर साल आपके क्वेश्चन आते हैं और इस साल भी आएंगे. सो द टॉपिक इज हर्ट एंड ब्लड फ्लो एंड कार्डियक साइकिल. सो लेट स्टार्ट टुडेज वीडियो. गाइस, इससे पहले कि हम ब्लड फ्लो और कार्डियक साइकिल के बारे में जानें, चलिए जानते हैं थोड़ा सा हर्ट के बारे में. हर्ट क्या है? ये हमारे बॉडी का एक पंपिंग ऑर्गन है जिसका काम है ब्लड को पंप आउट करना. ये हर्ट से ब्लड को पंप आउट करता है और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करता है. इसकी साइज की बात करते हैं तो ये आपके मुट्ठी बराबर होता है और ये हल्का सा हमारे लेफ्ट चेस्ट की ओर झुका होता है. मतलब लोकेशन कहाँ पे है? स्लाइटली लेफ्ट योर चेस्ट. ये हर्ट महज हम जब 8 हफ्ते के होते हैं तभी से ये हर्ट हमारे बॉडी में काम करना स्टार्ट कर चुका होता है, और ये बना होता है कार्डियक मसल का, एक ऐसा मसल जो मायोजेनिक नेचर का होता है, जो सेल्फ रेगुलेट होता है, जिसे रेगुलेट करने की कोई जरूरत नहीं होती है, वो खुद से रेगुलेट करता है, खुद से फंक्शन करता है. ये हर्ट इतना इंपॉर्टेंट है कि इसके बिना हम लाइफ का इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते हैं. दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट, वन ऑफ द मोस्ट वाइटल ट्राइपॉड ऑफ द लाइफ. ट्राइपॉड का मतलब ऐसे तीन ऑर्गन जिनके ऊपर हमारा लाइफ डिपेंड करता है. कौन कौन है? वन हमारा लंग्स, दूसरा हमारा ब्रेन एंड तीसरा हमारा हर्ट. अगर हम हर्ट के इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो हमारा हर्ट बेसिकली टू साइड्स में डिवाइडेड है, लेफ्ट साइड और राइट साइड, और हर साइड में दो दो चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं. तो इन टोटल हमारे दो साइड दोनों में दो दो चैम्बर, मतलब कि हमारे हर्ट में टोटल 4 चैम्बर होते हैं. In which one of the chamber or the upper chamber called as a atrium and another chamber or the lower chamber called as a ventricle. तो total हमारे heart में 4 chamber होते हैं और साथ ही साथ हमारे heart में 4 valves present होते हैं. इन valves का काम बस इतना होता है वो blood के back flow को prevent करते हैं, वो किसी भी तरह से blood के उल्टे direction में flow करने से रोकते हैं blood को. हर्ट में ये जो डिवीजन प्रेजेंट होता है, ये जो पार्टीशन प्रेजेंट होता है, ये पार्टीशन सिर्फ इसलिए होता है ताकि हमारे ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड है और जो डी ऑक्सीजनेटेड है ये कभी मिक्स ना करे. सो टू प्रिवेंट द मिक्सिंग अप ऑफ दिस बोथ, हमारे हर्ट में ये पार्टीशन किया जाता है या होता है. चलिए अब हम बात करते हैं ब्लड फ्लो के बारे में. इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, हम इस कंप्लीट ब्लड फ्लो को एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं. तो ये मैंने एक रफ पिक्चर बनाया हुआ है, आप देख सकते हो. नाउ, जैसे कि मैंने बताया कि हर्ट बेसिकली ब्लड को पंप आउट करता है, तो ये हर्ट है और ये ब्लड को पंप आउट करेगा. पंप आउट करने का मतलब ये है कि एक बार ब्लड हर्ट से बाहर निकल जाए फिर वो दोबारा पंप आउट हो, इसके लिए ब्लड को वापस हर्ट के अंदर आना पड़ेगा. ठीक है, तो यही साइकिल हमारा बार बार रिपीट होते रहता है. तो कैसे कैसे समझते हैं. अभी ये क्या है कि पूरे बॉडी से ये हमारा ब्लड जो है ये पूरे बॉडी से कलेक्ट होके इस चैम्बर में पहुंच रहा है. ठीक है, ये आपके दोनों लेग से है, ये दोनों पैर से, ये आपके दोनों पैर से ब्लड कलेक्ट हुआ और इस चैम्बर में पहुंच रहा है. दोनों आर्म्स, ये दोनों के दोनों आर्म्स से कलेक्ट होकर यहां पहुंच रहे हैं. चलो देख रहे हो, यहां पे ये दोनों आर्म से कलेक्ट होकर यहाँ पे पहुंचे हैं, और आपका जो हेड है और जो नेक रीजन है, इन सब जगहों से ये आपका ब्लड कलेक्ट होकर पहुंच रहा है. कहाँ पे? इस चैम्बर में, देख रहे हो. सो ये सारे के डायरेक्टली आपके हर्ट के इस चैम्बर में पहुंचे हैं.
तो पूरे बॉडी से हमारा ब्लड कलेक्ट होके हार्ट के इस चैम्बर में पहुंच रहा है। बेसिकली देखोगे तो यहाँ पे एक वो सेक्शन है जो हार्ट के नीचे वाला पोर्शन है, दिस इज द लोअर पोर्शन। ये हमारा एब्डोमेन रीजन है, ये हमारा दोनों लेग्स हैं, ये पेल्विक रीजन है। तो यहां से पूरे बॉडी से जो नीचे का पोर्शन है वहां से ब्लड कलेक्ट हुआ है, और कलेक्ट होने के बाद हार्ट के वन ऑफ द चैम्बर, चार चैम्बर है मैंने बताया, तो उनमें से किसी एक चैम्बर में पहुंचता है। इसका नाम क्या है मैं बताऊंगा आगे जाके। सो बेसिकली यहां पे देख रहे हो आप, उसके बाद देखोगे अपर पोर्शन से, जो हार्ट का अपर पोर्शन है, तो ये क्या है आपके दोनों के दोनों आर्म्स हैं, हेड है, नेक है, इन सारे रीजन से कलेक्ट होके और ब्लड आपके फिर से उसी चैम्बर में पहुंच रहे हैं। तो इस तरह से क्या हुआ, ब्लड आपके पूरे बॉडी से कलेक्ट होके हार्ट के एक चैम्बर में पहुंच गया। अब क्या होगा, फिर वो ब्लड फ्लो करेगा, एंड फ्लो करने के बाद फिर से वो ब्लड आपके हार्ट से निकलेगा। अब जब ब्लड आपके हार्ट से रिलीज होगा उस वक्त किसी दूसरे चैम्बर से होगा। तो ये देख रहे हो जो नीचे वाला पोर्शन है, जो नीचे वाला चैम्बर है, ये छोटा सा चैम्बर, यहां से आपका ब्लड निकलेगा और फिर से उन सारे जगहों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो देख रहे हो यहां से ये इधर गया, एट द सेम टाइम ये नीचे भी आ रहा है इस तरह से, और इधर भी गया और ये इधर भी गया है। तो इस तरह से जहां जहां से आपका ब्लड कलेक्ट होके वापस आया था हार्ट में, उन सारे जगह पे ब्लड फिर से चला गया है। नाउ अब ये कौन से ब्लड वेसल्स हैं, किनके किनके थ्रू ये फ्लो होता है, हम इन सारे चीजों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो हम इसी चीज को बहुत ही सिंपल तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पे मैं अपने हार्ट का एक छोटा सा रफ डायग्राम बनाता हूं। तो ये हमने बनाया है, सपोज ये हमारा हार्ट है, ठीक है, और हार्ट के पास हमारे चार चैम्बर हैं, ठीक है। सो ये जो चैम्बर है, ये दोनों के दोनों अपर चैम्बर हमारे क्या है, एट्रियम है, और जो दोनों के दोनों लोअर चैम्बर है, ये हमारे क्या है, वेंट्रिकल्स है, ठीक है। नाउ इन दोनों चैम्बर्स के बारे में देखोगे तो एक एट्रियम, वेंट्रिकल, इधर भी एट्रियम, इधर भी वेंट्रिकल, याद रखना। ये जो साइड है, मैंने बताया था हार्ट हमारे दो साइड में डिवाइड होता है, तो ये जो साइड है, दिस वन इज आवर लेफ्ट साइड, और ये जो हमारा है, दिस वन इज आवर राइट साइड। ओके, याद रखिएगा, आपका लेफ्ट और आपका राइट आपके ऑर्गन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। सो ये हमारा लेफ्ट है, तो दिस वन इज द लेफ्ट एट्रियम, दिस वन इज लेफ्ट वेंट्रिकल, ये क्या होगा राइट एट्रियम, एंड नीचे वाला राइट वेंट्रिकल। यहां पे क्लियर डिवीजन देख रहे हो आप, ये डिवीजन बस इसलिए है ताकि आपके जो ब्लड इस साइड में होंगे वो, और जो इस साइड में वो आपस में मिक्स ना कर जाए, ठीक है। यहां पे भी आपको दिख रहा है डिवीजन, यहां पे भी आपका पार्टीशन दिख रहा है। तो देखोगे यहां पे क्या है, एक एट्रियम है, एक वेंट्रिकल है, और इन दोनों के बीच में एक सेपरेशन है। सो दिस सेपरेशन इज कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है। यहां पे देख रहे हो सेम थिंग, यहां पे भी एट्रियम है, वेंट्रिकल है, तो दिस वन इज ऑल्सो कॉल्ड एज एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। यहां पे देख रहे हो दो आर्ट्रिय है, एक एट्रियम यहां पे, एक एट्रियम यहां पे, इन दोनों के बीच में भी सेपरेशन है, तो हम इसे क्या बोलेंगे बताओ, इसे कहते हैं हम लोग इंटर आर्ट्रियल सेप्टम, और दिस वन एक वेंट्रिकल, दूसरा वेंट्रिकल, ठीक है, आपका इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो यहां पे देख रहे हो हमारा हार्ट बिल्कुल हर एक एक चैम्बर से सेपरेटेड होता है। नाउ यहां पे देखोगे तो इस लेफ्ट साइड में एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक छोटा सा ओपनिंग होता है, यहां पे एक छोटा सा वाल्व प्रेजेंट होता है। सिमिलरली यहां पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है, हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में आगे थोड़ा देर में समझेंगे और भी अच्छे से। तो ये एक रफ पिक्चर है। तो हुआ क्या, आपके अपर चैम्बर में देख लो यहां पे चार चैम्बर है, इन चार में से जो अपर चैम्बर है मतलब क्या, आपका राइट एट्रियम, तो सारे ब्लड आपके पूरे बॉडी से कलेक्ट होके यहां पे पहुंचते हैं, कहां पे, राइट एट्रियम में, देख रहे हो। फिर वो कहां होगा, राइट एट्रियम से जाएगा कहां पे, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। फर्दर वो राइट वेंट्रिकल से पंप आउट होकर बाहर निकल जाएगा। अब वो बाहर कहां जाएगा हम देखेंगे कुछ देर बाद। एंड फाइनली ब्लड क्या होगा, आपके रिटर्न होंगे दिस लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से फिर वो पंप आउट कहां जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और फाइनली फिर से, अब देखो ये हमारा कौन सा चौथा है, यहां पे कोना वाला है जैसे मैंने यहां दिखाया था आपको, तो ये जो नीचे वाला है चैम्बर, यहीं से ब्लड पंप आउट होकर बाहर निकलेगा और फिर से पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा, और यही प्रोसेस पूरा बार बार रिपीट होता रहता है। क्या होगा, इस चैम्बर से, इस चैम्बर में ब्लड कलेक्ट होंगे, पूरे बॉडी से रिसीव किए जाएंगे, और इस चैम्बर से ब्लड को पंप आउट करके बाहर निकाला जाएगा और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, देख रहे हो। सो दिस रेड वन जो मैंने बनाया हुआ है, हम इसे सिंपली कह सकते हैं आर्टरी, और इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं सिंपली अभी समझने के लिए वेंस कह सकते हैं। तो जब भी मैं आर्टरी और जब भी मैं वेंस की बात करूं, तो याद रखना एक बात कि जब भी मैं वेन कहूं तो इसका मतलब क्या है, ऐसा ब्लड वेसल जो ब्लड को हार्ट के तरफ लेके जाता है, टुवर्ड्स द हार्ट। वेन का मतलब क्या हुआ है, इट
टेक्स ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट, ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट। और अगर आर्टरी की बात करूं तो आर्टरी हमेशा देख रहे हो यहां से क्या हो रहा है, ब्लड को हार्ट से बाहर लेके जा रहा है, दूर लेके जा रहा है। तो जब भी आर्टरी कहूं तो इसका मतलब क्या है, इट टेक्स ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, अब चलिए समझते हैं यहां पे। तो चलिए अब समझते हैं ब्लड फ्लो कैसे कैसे होते हैं हार्ट के अंदर और हार्ट में कैसे ब्लड फ्लो करता है। तो सबसे पहले क्या हो रहा है, यहां पे देख रहा है हमने एक चैम्बर है, दैट इज अवर राइट एट्रियम चैम्बर है। तो इस चैम्बर में दो ओपनिंग्स है, दो ट्यूब्स हैं जो ओपन हो रहे हैं। तो एक वो ट्यूब है जो हमारे बॉडी के लोअर सेक्शन से ब्लड को कलेक्ट करके इस चैम्बर में लेके जा रहा है, और दूसरा वो ओपनिंग है जो ब्लड को अपर चैम्बर से, जो ब्लड को अपर बॉडी पोर्शन से कलेक्ट करके रिसीव करके यहां पे लेके आ रहा है। सो दीज आर कॉल्ड एज अ वेना कावा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं हम लोग, कॉमनली कॉल्ड एज अ वेना कावा। सो द पोर्शन द वेना कावा विच कलेक्ट और रिसीव ब्लड फ्रॉम द लोअर, फ्रॉम द बॉटम पोर्शन, हम उसे कहते हैं इनफीरियर वेना कावा। और वो ब्लड वेसल, वो वेना कावा जो ब्लड के अपर चैम्बर से, ब्लड के अपर पोर्शन से, बॉडी के जो अपर पोर्शन है वहां से जो ब्लड कलेक्ट करता है उसे कहते हैं हम लोग सुपीरियर वेना कावा। अभी हमने देखा कि जो हमारा ब्लड फ्लो है उसका जो डायरेक्शन है वो हमेशा कैसा है, आपका पहले है आपका राइट एट्रियम है, राइट एट्रियम से वो कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल के बाद वो लंग्स, लंग्स से वापस आया कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम, एंड फाइनली लेफ्ट वेंट्रिकल से होके पूरा बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। कभी भी ये जो डायरेक्शन है ब्लड फ्लो का, ये डायरेक्शन कभी भी अपोजिट नहीं होता है, वो चेंज नहीं करता है। चेंज क्यों नहीं कर पाता है, क्योंकि जो हमारा हर्ट है उस हर्ट में कुछ वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, और ये वेल्व्स हमेशा बैक फ्लो, जिस फ्लो से आ रहा है ब्लड, जिस पाथवे से ब्लड आ रहा है, कभी भी ब्लड के बैक फ्लो नहीं होने देते हैं। ब्लड आपका हमेशा एक ही डायरेक्शन मूव करता रहे, इस बात का ध्यान रखते हैं ये वेल्व्स। ये वेल्व्स हमारे पास टोटल चार हैं, इनका लोकेशन क्या है मैं भी बताऊंगा अभी। तो ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो डायग्राम है, दिस वन इज प्रीटी मच एक्सपेक्टेड डायग्राम ऑफ हार्ट, आप देख सकते हो यहाँ पे अच्छे से। सो ये हार्ट का आपका देख रहे हो दिस वन, ये जो आपका नीचे का बॉटम सेक्शन है, ये आपके चार चैम्बर देख रहे हो, ये 1, 2, 3 और ये 4 देख रहे हो यहाँ पे। ये आपका फर्स्ट चैम्बर, दिस वन इज द राइट एट्रियम चैम्बर, ये क्या होगा आपका राइट वेंट्रिकल चैम्बर देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या आपका लेफ्ट एट्रियम चैम्बर, और ये क्या आपका लेफ्ट वेंट्रिकल चैम्बर देख सकते हो यहाँ पे। नाउ मैंने बोला जो वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, तो यहाँ पे देखोगे एक वेल्व प्रेजेंट है, दिस वेल्व इज कॉल्ड एज अ ट्राइकस्पिड वेल्व, इसका नाम क्या है आपका, दिस वन इज अवर ट्राइकस्पिड वेल्व। ठीक है, यहां पे देख रहोगे ये भी एक वेल्व है, इसका नाम क्या है, इसका नाम है बाइकस्पिड वेल्व। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देख रहोगे एक वेल्व यहां प्रेजेंट है और एक वेल्व यहां पे प्रेजेंट है, दिस वन ये वेल्व जो इस ब्लड वेसल में प्रेजेंट है, देख रहे हो ये बड़ा सा ब्लड वेसल है, इसका नाम क्या है मैं बताऊंगा, एंड एक वेल्व्स यहां प्रेजेंट है, इसका भी अलग नाम है। फिर ये देखोगे आपका लंग्स में एंटर कर रहे हैं। सो ये आपका एक्सपेक्टेड डायग्राम है, वन बाय वन मैं सब कुछ बताऊंगा अभी। सो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले ये हमारे राइट एट्रियम में ब्लड कलेक्ट हुए थे, ब्लड रिसीव हुए थे। तो यहाँ पे देख सकते हो कि एक ब्लड वेसल जो नीचे से यहाँ पे ओपन है और एक दूसरा वाला है, तो इन दोनों ब्लड वेसल से हमारे ब्लड एंटर करते हैं राइट एट्रियम में। सो दिस वन विच कलेक्ट द ब्लड, जो रिसीव करता है ब्लड कहां से, बॉडी के अपर पोर्शन से, ये अपर पोर्शन है, और ये कहां से, बॉडी के लोअर पोर्शन से ब्लड को कलेक्ट करेगा। सो दिस वन इज कॉल्ड एज अ इन्फीरियर वेना कावा, और ये क्या हो जाएगा आपका, सुपीरियर वेना कावा हो जाएगा। दोनों काम क्या है, ब्लड को कलेक्ट करना पूरे बॉडी से, मैंने बताया भी जस्ट, तो पूरे बॉडी से कलेक्ट करके ब्लड को लाते हैं कहां पे, राइट एट्रियम में। तो यहां पे हमारा पूरा ब्लड बॉडी से रिसीव होके पहुंच गया है। नाउ जो भी ब्लड यहां पे आया है वापस दोबारा इधर ना चला जाए, अभी आपका ब्लड यहां से निकल गया, पूरे बॉडी से कलेक्ट होके राइट एट्रियम में पहुंचा है, चांसेस है कि वो ब्लड वापस इसी रास्ते से वापस चला जाए। सो ऐसा नहीं होने देता है, बिकॉज यहां पे एक वाल्व प्रेजेंट होता है, यहां पे भी एक वाल्व प्रेजेंट होता है, एंड दिस वाल्व प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, एंड दिस वाल्व इज कॉल्ड एज ईस्टेशियन वाल्व, ईस्टेशियन वाल्व। ठीक है, अब एक बार याद रखना, इन्फीरियर वेना कावा में आपका जो इन्फीरियर वेना कावा है इसमें प्रेजेंट होता है ईस्टेशियन वाल्व, सुपीरियर वेना कावा में कोई भी वाल्व प्रेजेंट नहीं होता है,
क्योंकि वहां पे वैल्व की जरूरत नहीं है, उसके जो मसल्स होते हैं उसका जो वॉल का मसल है वही काफी होता है, वही वैल्व के जैसा काम करता है, वो ब्लड फ्लो होने देता नहीं है। अभी क्या हुआ कि पूरे बॉडी से ब्लड रिसीव होकर पहुंचा राइट एट्रियम में। फाइनली द ब्लड एग्जिट्स द राइट एट्रियम। ये जो राइट एट्रियम है ये ब्लड आपको एग्जिट करता है, और एग्जिट करने के बाद वो कहां पहुंचेगा, रिच इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू दिस ट्राइकस्पिड वैल्व। इस ट्राइकस्पिड वैल्व से होता हुआ ये फाइनली कहां चला गया, राइट वेंट्रिकल में आ गया। तो जो भी आपका ब्लड है वो राइट एट्रियम से पहुंच गया है राइट वेंट्रिकल में थ्रू दिस ट्राइकस्पिड वैल्व। इसका नाम ट्राइकस्पिड क्यों है, क्योंकि इसके पास तीन फ्लैप, देख रहे हो यहां पे तीन फ्लैप्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसका नाम ट्राइकस्पिड वैल्व पड़ा है। सिंस यहां पे ये ब्लड को लेके आ रहे हैं हार्ट की तरफ, ये क्या कहलाएंगे, वेन्स होंगे। फाइनली फ्रॉम दिस राइट वेंट्रिकल अब क्या होगा, ब्लड आपका यहां से मूव करेगा, ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल चैम्बर को भी एग्जिट करेगा, और एग्जिट करने के बाद इस ब्लड वेसल के थ्रू बाहर निकलेगा। सिंस ये ब्लड को हार्ट से दूर लेके जा रहा है तो ये क्या होगा, आपका आर्टरी होगा। सिंस ये कहां जा रहा है, लंग्स में जा रहे हैं, सो लंग्स के लिए हम क्या यूज करेंगे, पल्मोनरी वर्ड। सो दीज आर दी पल्मोनरी आर्टरी, ये क्या है आपका, पल्मोनरी आर्टरी। सो दिस पल्मोनरी आर्टरी अगेन डिस्ट्रीब्यूट इनटू दी लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी एंड राइट पल्मोनरी आर्टरी। अब ये राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी में डिवाइड हो चुके हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, और वो फाइनली जो ब्लड आपके राइट वेंट्रिकल से एग्जिट किए थे वो दोनों दोनों कहां पहुंच जाएंगे, आपके रेस्पेक्टिव लंग्स में पहुंच जाएंगे। नाउ जो ब्लड यहां पे ट्रेवल कर रहा है, अभी तक जो भी मैंने बनाया उस सब मैंने ब्लू पेन से बनाया है, जिसमें इंडिकेट करना चाह रहा हूं कि जो भी ब्लड अभी तक फ्लो कर रहा है वो ब्लड आपका इम्प्योर ब्लड है, वो ब्लड आपका फुल्ली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो जो हमारा राइट चैम्बर है ये कैसे ब्लड के लिए रेस्पॉन्सिबल है, इट इज कंसर्न विद द डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब कि ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत ही कम अमाउंट में होता है। सिंस एक बार ये ब्लड आपका चला गया लंग्स के अंदर, ये आपका ब्लड एंटर कर चुका है लंग्स के अंदर, ये ब्लड आपका एंटर कर चुका है लंग्स के अंदर, ये एंटर कर चुका है लंग्स के अंदर, अब क्या होगा, लंग्स में ये ब्लड अगेन क्या होंगे, लंग्स में ये ब्लड एंटर करने के बाद इनका क्या होगा, फिर से वो ऑक्सीजन यहां पे क्या करेंगे, ये CO2 को डिलीवर कर देंगे एंड ऑक्सीजन को पिकअप कर लेंगे। तो यहां पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ने CO2 को डिलीवर किया और O2 को पिकअप किया, और वंस अगेन जब O2 को पिकअप करता है तो फिर से वापस इस पाथवे के थ्रू आता है। तो यहां से अभी ब्लड आपका अंदर गया था लंग्स में, यहां से ऑक्सीजन पिकअप करने के बाद वो फिर से आपका एंटर करता है दूसरे ब्लड वेसल्स में, और इस ब्लड वेसल से होता हुआ अगेन देखोगे ये पाथवे है, इसके थ्रू होता हुआ इधर, ये देख रहे हो इधर से होता हुआ फाइनली इस चैम्बर में आपके ब्लड एंटर करते हैं। नाउ तो क्या हुआ, अभी ये आपका लंग्स था। सो सिंस अब जो ब्लड है वो आपके हार्ट की तरफ जा रहा है तो ये जो ब्लड वेसल होगा वो क्या होगा, आपका वेन होगा, और ये आपका हार्ट सॉरी लंग्स से आ रहा है तो ये कैसा होगा आपका, दिस वन इज योर पल्मोनरी वेन, देख रहे हुए। तो अगेन लेफ्ट एंड राइट का बात है। सो यहां पे पल्मोनरी वेन से होता हुआ अगेन जो ब्लड है वो पहुंचता है कहां पे, लेफ्ट एट्रियम में पहुंच गया। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग, इन द लंग्स देयर इज गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस, मतलब क्या हो रहा है, ब्लड क्या हो रहा है, CO2 को डिस्कार्ड कर रहा है एंड O2 को पिकअप कर रहा है। नाउ फ्रॉम दिस पल्मोनरी वेन थ्रू दिस पल्मोनरी वेन ब्लड अगेन एंटर्स इन द लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, एंड फ्रॉम हियर लेफ्ट एट्रियम से, अभी देख रहे हो ये लेफ्ट एट्रियम चैम्बर है। नाउ फ्रॉम हियर फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम ब्लड एग्जिट्स दिस लेफ्ट एट्रियम एंड एंटर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। अब ब्लड क्या है, आपके लेफ्ट एट्रियम को एग्जिट करता है और वो कहां पहुंच रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल में पहुंच रहा है थ्रू दिस अनदर वेल्व कॉल्ड एज अ बाइकस्पिड वेल्व और ऑल्सो नोन एज अ मिट्रल वेल्व। ठीक है, तो ये मिट्रल वेल्व और बाइकस्पिड वेल्व से होता हुआ अगेन ये कहां पे आया है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया है। सो ये हमारा चौथा चैम्बर है। एंड नाउ फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल अगेन क्या होगा, अगेन आपका ब्लड यहां से पंप आउट किया जाएगा और यहां से ब्लड आपके निकलेंगे बाहर, और इस तरह से ब्लड आपके लेफ्ट वेंट्रिकल से बाहर पंप आउट होंगे और पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। यहां देख रहोगे आपका ब्लड ऊपर चैम्बर से आ रहा है तो ये ब्लड वेसल है, ये क्या करेगा, ये आपके ब्लड को अपर बॉडी पोर्शन में लेके जाएगा। ठीक है, ये जो पोर्शन है ये आपके लोअर में जाएगा या फिर आपके जो आर्म्स है दोनों उसमें चले जाएंगे।
ठीक है, ये आपके चेस्ट रीजन में जाएंगे, और ये जो है आपका ब्लड वेसल ये कंटिन्यू रहेगा, देखो नीचे ये है, ये कंटिन्यू रहेगा नीचे। सो क्या नाम है इसका, देखोगे, सो दिस वन, ये जो ब्लड वेसल है दिस इज कॉल्ड एज एओर्टा, एंड दिस वन इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल, हमारे बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ब्लड वेसल है, और इस एओर्टा के कुछ कुछ ब्रांचेज यहां देख रहे हैं, सो दीज थ्री आर कॉल्ड एज आर्च, दे आर नोन एज आर्चेज ऑफ एओर्टा, ठीक है, ये ब्रांचेज है तो आर्चेज ऑफ एओर्टा कहते हैं, ठीक है, इनका काम है ब्लड को एओर्टा से निकाल के पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट करना। नाउ दिस टाइम क्या हुआ, दिस टाइम ब्लड फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्ड आउट थ्रू दिस अनदर वेल्व, एंड दिस वेल्व इज कॉल्ड एज अ एओर्टिक वेल्व, इसका नाम है आपका एओर्टिक वेल्व, एओर्टिक वेल्व। हियर यहां देखोगे जो ब्लड आपका राइट वेंट्रिकल से पंप आउट होके पल्मोनरी आर्टरी में एंटर किया था, यहां पे जो वेल्व प्रेजेंट है इस ब्लड वेसल में जो वेल्व प्रेजेंट है उसका नाम है पल्मोनरी वेल्व। तो हमारे पास टोटल चार वेल्व है, वन क्या है आपका ट्राइकस्पिड है, और क्या है पल्मरी वेल्व है, दूसरा क्या है एओर्टिक वेल्व, और सेमी लूनार वेल्व, दूसरा क्या है बाइकस्पिड और मिट्रल वेल्व। तो ये हमारे पास चार वेल्व्स हैं, और ये चारों वेल्व्स आपके ब्लड के फ्लो का डायरेक्शन जो उसको मेंटेन रखता है, कभी भी बैक फ्लो नहीं होने देते हैं ब्लड का। सो फाइनली हुआ क्या, जो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपके लेफ्ट वेंट्रिकल को छोड़ता है, उसको एग्जिट करता है, और थ्रू एओर्टा और एओर्टिक आर्चेस वो पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है, ये आपका एओर्टिक है, एओर्टा है। नाउ दिस वन पोर्शन ऑफ द एओर्टा इज कॉल्ड एज असेंडिंग एओर्टा, एंड दिस असेंडिंग एओर्टा हैज अ आर्चेस, हैज अ ब्रांचेस, एंड दिस वन पोर्शन जो नीचे आ रहा है ये भी एओर्टा का पोर्शन है, बट दिस टाइम इट इज नोन एज डिसेंडिंग एओर्टा, और यही वो डिसेंडिंग एओर्टा है जो पेल्विक रीजन में जाके एब्डोमिनल रीजन में जाके स्प्लिट करेगा, और स्प्लिट करने के बाद दोनों लेग्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, और दोनों के दोनों लेग्स में ब्लड का ऑक्सीजनेटेड ब्लड का सप्लाई करते हैं। नाउ द वन ऑफ इंपॉर्टेंट थिंग, जो हर्ट का मसल है उस हर्ट के मसल्स को भी ब्लड का सप्लाई किया जाता है, और फ्रॉम एओर्टा उसका भी ब्रांच रिलीज होते हैं, एंड द सप्लाई ब्लड का जो सप्लाई हर्ट के मसल्स को होता है इज डन बाई दी या डन थ्रू दी कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी साइनसेस। सो दिस इज द कंप्लीट आइडिया अबाउट द ब्लड फ्लो थ्रू द हर्ट, कि हर्ट के थ्रू या हर्ट के अंदर ब्लड का फ्लो कैसे कैसे होता है, एंड क्यों नहीं हो पाता है बैक फ्लो, क्योंकि हर स्टेज में क्या है हमारे पास यहाँ पे वेल्व्स प्रेजेंट होते हैं, ये वेल्व्स का जो ओपनिंग का डायरेक्शन है वो भी ब्लड के फ्लो के डायरेक्शन के तरफ होते हैं, ब्लड का फ्लो इधर हो रहा है तो ये भी ओपन इधर होगा, वापस अगर ब्लड जाना चाहे तो ये क्या होगा तुरंत ब्लॉक कर देता है, यहाँ पे भी ब्लड का फ्लो इस डायरेक्शन में है तो ये वेल्व्स भी ओपन इसी डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। चलिए तो ये अब हम समझते हैं कार्डियक साइकिल के बारे में, ये हमारा ब्लड फ्लो था, कार्डियक साइकिल क्या है सो समझते हैं बाकी हम।